गोरखपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा के सरकारी आवास के बाहर एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़े। इस दौरान किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया है और वहां पर मौजूद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद एसपी सिटी ने जांच का आदेश दिया है। वहीं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया है, बुजुर्ग की तलाश की जा रही है। साथ ही एसपी ने मामले की जांच के बाद शख्स पर कार्रवाई करने की बात कही है। वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संदर्भ में उस व्यक्ति से पूछताछ जिसने वीडियो बनाया, उस व्यक्ति को जानते हैं और वो व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है कि दवा कराने के लिए शहर में आया था। वो गोरखपुर का बिलोंग करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सीसीटीवी से प्रयास किया जा रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ है और उसका पता लगा दें। तो इसके खिलाफ पब्लिक प्लेस के अंदर इस तरीके से नमाज अदा करने का उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, उसने अंदर के आरोप लगा रखे, जो गार्ड है किसी ने बोला नहीं जब तक नमाज पढ़ा। ऐसा कोई अभी तक प्रथम दृष्टया सिर्फ इतना ही मामला संज्ञान में आया है कि उसने पब्लिक प्लेस है जो किसी व्यक्ति का प्राइवेट आवास है, आवास के बाहर पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ी है, जो कि एक निंदनीय कृत्य है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी तरफ इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने बताया कि नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। ऐसे किसी निजी स्थान पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, ऐसे में शख्स के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके आवास का है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ कर नमाज पढ़ रहा है, सर क्या मामला है? कल लगभग 5 से 6 बजे के बीच व्यक्ति ने फोन करके हमें बताया कि हमारे आवास के बाहर किसी बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा नमाज अदा की जा रही है। इसके संबंध में जब वीडियो हमें प्राप्त हुआ तो हमने इसके लिए जो एस पी सिटी हैं कृष्ण विष्णु, उनको तत्काल इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। सर आगे क्या क्या उनके द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी, हमारे स्तर से उनको अवगत करा दिया। सर वहाँ पे गार्ड भी थे, वो आदमी व्यक्ति आरोप लगा रहे किसी ने उसको बोला नहीं, या गार्डों के ऊपर भी हो जाएगी? गार्ड जो है उनके जो आरोप है उसकी जांच की पुष्टि भी एसपी सिटी करेंगे, उसके बाद अगर कोई सबूत पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। बता दें कि मुहर्रम करीब होने की वजह से मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि बीते 2 साल से मुहर्रम का जुलूस कोरोना की वजह से नहीं निकला है और इस बार निकलना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।